नमस्कार, बीएनएन टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते खबरों की ओर। लामता में बांधा एंड कंपनी के द्वारा आए दिन क्षेत्र में अपनी मनमानी कर रहे हैं। कभी भी किसी के घर पर बेवजह घुसकर जबरन तलाशी करते आ रहे हैं और साथ में आम लोगों को धमकियां दे रहे हैं। गुंडों की धमकी देकर डराने, मारने व धमकी देने का काम कर रहे हैं। क्षेत्र में आम नागरिकों के लिए इन लोगों से परेशान होकर कई बार पुलिस को भी जानकारी दी गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आम नागरिकों का कहना है कि हमें अब लामता पुलिस पर अब भरोसे के काबिल नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि पुलिस और बांधा एंड कंपनी के लोगों का रिश्ता मामा भांजे का रिश्ता है, पुलिस इन लोगों पर कार्रवाई नहीं करेंगे। ग्रामीण का कहना है कि घर पर हमारी माँ बहन रहती है और ये लोग घर पर घुसकर अपनी मनमानी करते हैं। ऐसे असामाजिक तत्व जो हमारे मान सम्मान को ठेस पहुँचाने का काम करते हैं, जो कि समाज के लिए शर्मिंदगी है, समाज के लिए अशोभनीय है। ऐसी घटना कई बार हो चुकी, पुलिस को भी इसकी जानकारी दी गई, लेकिन पुलिस भी बांधायन कंपनी के साथ घूमते दिखाई देती है। आम नागरिक इसका विरोध करती है। मामला कुछ नहीं है, हमारे भाई के घर में घुस गए। अच्छा। और इनका ऐसे चलता है रूल काल, ऐसे किसी घर में घुस जाना किन बांधा कंपनी वालों का। अच्छा। वो कोई इनके पास वो नहीं था, मतलब आबकारी वाले भी नहीं थे, कोई नहीं थे, ये खुद ही अपने मन से कहीं भी घुस जाते। वारंट नहीं था, कुछ नहीं था, सर्च वारंट कुछ भी नहीं था। और ज़बरदस्ती किसी की भी मुखबिरी में इन लोग पता करके घुस जाते कुछ भी ऐसे ही। तो और पहली बात तो ये है कि बांधा कंपनी वाले नियम से भी नहीं चलते हैं। इनकी दुकान में ना तो रेट लिस्ट है, कुछ नहीं है, इन लोग महंगी शराब बेचते हैं, तो इन पर कार्रवाई होना चाहिए। घर पे घुसे थे तो क्या? घर में लेडीज थी, घर में लेडीज थी और कोई नहीं था आदमी। फिर तो बाद में आदमी लोग पहुँचे तो इनको बोले, तो इन लोग ने हाथ पाई में उतरे, पुलिस वालों को लेके गए थे साथ में, और हाथ पाई में उतर गए इन लोग, मारा पीटी करने लगे। तब हमारे घर वालों ने भी उसका जवाब दिया, क्योंकि कुछ गलत तो था नहीं, जो भी किए तो सब अच्छा किए। FIR दर्ज हो गई? नहीं, अभी कर रहे हैं। TI साहब अभी है नहीं, वो जैसे ही आते हैं तो फिर देखते हैं कार्रवाई आगे क्या होगी। भाई पुलिस वाले भी आते हैं, कभी बिगड़ पुलिस के भी किसी के घुस जाते हैं, कोई कभी भी किसी के आगे घुस जाते हैं, चाहे पुलिस को लेके हो, चाहे माने वो अकेले हो ठेकेदार के लिए, कभी भी घुस जाते हैं बिना वारंट, कभी भी घुस जाते हैं किसी के। आदिवासियों को छूट है, राजपथ में 5 लीटर छूट है, उनके यहाँ से 1 लीटर मिलती है, 6 लीटर का थाने में ला के केस बनता है, पुलिस की मिली भगत से बनता है। बनता ही होगा ना, जिनके यहाँ से 2 लीटर दारू मिली आदिवासी के यहाँ से, और थाने में आके 6 लीटर का केस क्यों? भाई 2 लीटर का बनाओ ना, उसके यहाँ 2 लीटर मिली है ना, उसके यहाँ न्याय की बात है, 2 लीटर का केस बने, 6 लीटर।